परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने रात भर संभाला यीशु, और प्रभु एक नया सवेरा, प्रभु एक नई सुबह हमारे जीवन में दी है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु जी आप आदर और महिमा के योग्य हैं प्रभु। आपकी बड़ाई हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद ही हैं प्रभु कि आपने ये जीवन, ये सुंदर जीवन हमें दिया है प्रभु। न जाने कितने लोग ऐसे थे प्रभु जिन्होंने आज की सुबह को नहीं देखा प्रभु, इस पल को नहीं देखा परमेश्वर पिता, पर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरी दया है प्रभु कि हमने प्रभु जी आज की सुबह को देखा पिता। धन्यवाद प्रभु जी कि तेरे जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर, तो आदि और अनंत है परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरा प्यार अगापे है परमेश्वर पिता, कि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें प्रभु जी चुना है प्रभु, और अपने खून से खरीदा है प्रभु जी, अपने लहू के दाम देकर आपने हमें खरीदा है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमसे बहुत प्रेम किया है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए पिता जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु जी जो लोग प्रभु आज बीमार हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जिनके रिश्तेदार, जिनके परिवार का जो भी सदस्य प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, डॉक्टरों के द्वारा उसे ट्रीटमेंट मिल रहा है पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उन लोगों के लिए दुआ करते हैं मेरे प्रभु कि पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु जी वो चंगे होने पाए प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु जो बेड में पड़े हैं प्रभु, वो पूरा बल अपना खो चुके हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु वो अभी प्रभु बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए यीशु, और उन्हें चंगा करें मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह आपका वचन प्रभु हम उनके लिए अनाउंस्ड करते हैं पिता कि आप प्रभु उन्हें चंगा करें। आप यहोवा राफा हैं प्रभु जी, चंगा करने वाले परमेश्वर। आपके कोड़े खाने से परमेश्वर पिता वो हर एक बीमारी चली गई है पिता। प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्हें प्रभु डॉक्टर ऑपरेट कर रहे हैं प्रभु, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभु क्रिटिकल कंडीशन में है पिता परमेश्वर, कोई उम्मीद जिनकी नहीं है परमेश्वर। प्रभु हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि आप प्रभु जी उन पर अपना अनुग्रह करें पिता, उन्हें एक न्यू लाइफ दें प्रभु जी, आप उन्हें रिन्यू करें पिता परमेश्वर, एक नई स्ट्रेंथ को आप दें परमेश्वर पिता। जो डॉक्टर प्रभु उन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं पिता, उनके हाथों में आप सामर्थ्य दीजिए ताकि परमेश्वर वो प्रभु अच्छे से रिकवर हो सके। प्यारे खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग अभी प्रभु अच्छी जॉब को ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर, और वो ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं परमेश्वर पिता, होने दे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में एक नई उम्मीद को दीजिए प्रभु। आप प्रभु जी उन्हें एक अच्छा जॉब दे पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, आपकी दया उनके ऊपर हो पिता। आप उन्हें एक नया बल दीजिए प्रभु जी ताकि परमेश्वर पिता उन्हें एक अच्छी जॉब मिले। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने बहुत अच्छा जॉब प्रभु जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनको दे दिया है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका ये जीवित वचन उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो अपने मैरिज के लिए परेशान है प्रभु जी, पिता आप उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए प्रभु, जो जिन्होंने अपनी आशा खो दी है प्रभु, और प्रभु बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं प्रभु, और प्रभु जी वो इंतज़ार कर रहे हैं एक नए लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, कि एक अच्छा और सुंदर लाइफ पार्टनर उनके जीवन में आए प्रभु जी। आप उन्हें भी प्रभु वेट करने के लिए प्रभु, जिन्होंने वेट किया है प्रभु, उन्हें भी प्रभु आप एक नया बल दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर कि आपने अच्छा और राइट लाइफ पार्टनर दे दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इन प्रार्थनाओं को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, कि सच में पिता आपने बीमारों को चंगा किया प्रभु, जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है प्रभु उन्हें जॉब दी प्रभु, जो मैरिज के लिए परेशान है प्रभु उन्हें आपने बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर्स दिए हैं पिता। इस बात के लिए हम आपके धन्यवादी हैं प्रभु, और आप प्रभु अपना नया बल उनको दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु।
आपके इस वचन के द्वारा प्रभु जी आज हमने जो प्रार्थना किया है प्रभु, आपका वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए पूरा हो गया है। प्रभु धन्यवाद कि ये प्रार्थना जो आपसे हमने मांगी है पिता, आपने ये पूरी कर दी है। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु, सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।